आज हम चना दाल और लौकी की सब्जी बनाएंगे। चना दाल को हमने 2 घंटा पहले गर्म पानी में भिगो दिए और लौकी को भी अच्छा साफ करके छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए। अभी हम कुकर में 4 सीटी आने तक चना दाल को पका लेंगे। चार सीटी हो गया है, चना दाल को पका लिए हमने 4 सीटी तक। अभी हम सब्जी को तड़का देंगे। 1/4 कप तेल डालेंगे, हरी मिर्च, जीरा, दालचीनी, 1/2 टीस्पून जीरा है और 4 हरी मिर्च लाल हो गया है, 1-1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 2 मिनट अच्छा भुनेंगे। अच्छे से 2 मिनट भुना गया है, 2 पिसा हुआ प्याज लेंगे, इसको भी अच्छा 2 मिनट लाल भून लेंगे। 2 मीडियम साइज का प्याज है, धनिया पाउडर, गरम मसाला, 1.5 टीस्पून मिर्ची पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर और स्वाद के हिसाब से नमक है। 2 मिनट भुना गया है, मिर्ची पाउडर 1.5 टीस्पून है, बाकी सब 1-1 टीस्पून है मसाला, आप अपने अंदाज से ले सकते हैं। भून लिए 2 मिनट। एक टमाटर बारीक कटा हुआ डालेंगे, इसको भी अच्छे से पका लेंगे। अब पानी डालेंगे, 1.5 गिलास पानी लिए और उबला हुआ चना डाल देंगे, उसमें कद्दू भी डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। दो सीटी आने तक पकाएंगे। 2 सीटी हो गया है, चना दाल और लौकी की सब्जी तैयार है। समार डालेंगे, अभी हमारी सब्जी तैयार है। कैसा बना लाइक जरूर करें।